नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर जैसलमेर जिले के बड़ोड़ा गांव से, जहां शहर से 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बड़ोड़ा गांव के राजस्व गांव अवय नगर व आशा एच में विद्युत वोल्टेज की समस्या किसानों से परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदारी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। हालात ये है कि नलकूपों में वोल्टेज के अभाव से हो रही विद्युत आपूर्ति से फसलें खराब हो रही है, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये है हालात। जानकारों के अनुसार विद्युत कृषि कनेक्शन में बिजली के वोल्टेज उतार चढ़ाव के कारण किसानों की फसलें चौपट हो रही है। हालात ये है कि नलकूपों को 250 वोल्टेज विद्युत ही मिल रही है, जो सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है। किसानों के अनुसार बड़ोड़ा गाँव के अवय नगर व असहज फीडर में एक ही लाइन में 80 से अधिक कृषि कनेक्शन होने से किसानों को विद्युत ट्रिपिंग की समस्या से भी रूबरू होना पड़ रहा है, जिससे नलकूप पर मोटर व स्टार्टर जलने के साथ विद्युत केबल के में फॉल्ट आने से नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा क्षेत्र के किसानों ने इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों को अवय नगर व असहज में वोल्टेज उतार चढ़ाव की समस्या के बारे में अवगत करवाया था, लेकिन हालात जस के तस हैं। आज बड़ोड़ा गाँव में विद्युत समस्या समाधान के लिए शिविर का आयोजन था, लेकिन उच्च अधिकारी नहीं पहुंच पाए। क्षेत्र के किसान राजेंद्र सिंह, सवाई सिंह, कमल सिंह, पुरखाराम हनुमान व कवराज सिंह भाटी ने बताया, समय रहते समस्याओं का समाधान सीख नहीं किया गया तब मजबूरन GSS पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जैसलमेर से खेत सिंह सिसोदिया की विशेष रिपोर्ट।